हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस मैट्रिक्स ट्यूटोरियल पे पार्ट टू में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट हम किए थे रीबिल्ड, राइट? सो रीबिल्ड का और एक मैं जो दिखाया था राउंड लेके, मैं वो वापस से और एक बार एक पॉइंट मिस हो गया था, मैं बता रहा हूँ। जब जब कोई भी कभी भी आप सर्कल लोगे, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्कल होता है, मैं एक ज़ीरो इंटर करके ले रहा हूँ 10 mm का, 10 mm का ज़ीरो इंटर और 10 लिखा और इंटर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्कल आता है ऐसा आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्कल आता है उसमें हमेशा आपको ऐसा वाला कॉर्नर वाला सर्कल मिलेगा जो कि आपको वो रिबिल्ड करना होता है। तो हमेशा हम लोग जब काम करते, कभी भी वो ऐसा सर्कल कमांड लिया और ऐसा सर्कल बना दिया, तो कभी भी हम लोग उसको पहले से ही रिबिल्ड करके नहीं लेते। मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं ऐसा करता हूँ कभी भी मैं उसको, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा रिबिल्ड करने वाला राउंड नहीं चाहिए रहता है। तो इधर और एक ऑप्शन है राउंड में जाके, इधर एक और एक ऑप्शन है राउंड में जाकर डिफॉर्मेबल। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और डिग्री इधर 3 ही दिया चलेगा, पॉइंट इधर से आप रिबिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी ले लिया और ज़ीरो इंटर करता हूँ और 10 mm का एक सर्कल ले लेता हूँ, और आप देख सकते हो वो मुझे रिबिल्ड, ये ऑलरेडी रिबिल्ड किया हुआ ही है, इसमें आप पॉइंट वाला कर्व नहीं मिलेगा आपको। इधर आप पहले से ही रिबिल्ड, आपको कितना भी पॉइंट चाहिए रहेगा तो आप इधर से ही रिबिल्ड कर सकते हो उसको। जैसे कि ये पॉइंट है, अगर 8 चाहिए तो आप 8 लिख सकते हो और फिर 0 इंटर करके 10 लिखा, तो वो फिर F10 करोगे, शो पॉइंट करोगे तो ये इधर दिखाई देगा। अगर आप F10 करते हो तो ऐसा दिखाई देता है, और आप ये ऑप्शन इधर से भी ले सकते हो एडिट पॉइंट, लेकिन ये वाला जो एडिट पॉइंट है ये काम करने वाला नहीं है ये। और अगर आप F10 से रिबिल्ड करते हो, पॉइंट शो करते हो, तो कैसे दिखाई देगा आप देखिए। इसका जो मूव है ये बहुत स्मूथली मूव हो रहा है। जो F10 का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन, वो ये वाला पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट ऑन। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये स्मूथली मूव नहीं होता है। तो मेरा एक कहना है कि आप ये वाला पॉइंट, ये वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए जो कि ये F10 में आता है, बाय डिफ़ॉल्ट F10 में आता ही है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं रिफिट टॉलरेंस। तो ये वाला जो, ये क्या करता है, अगर मैं सपोज इधर एक ये ले लिया स्पाइरल, एक्चुअली ये वाला जो कमांड है ये यूज़ नहीं होता है, इसका मैं कभी यूज़ नहीं किया। ये टॉलरेंस बताता है, अगर सपोज़ आप F10 करके इसका पॉइंट देखोगे और मैं सपोज़ इसको रिबिल्ड किया, रिबिल्ड, देखिए इसका पॉइंट कैसा आ रहा है। मैं अगर रिबिल्ड करता हूँ इसको 50, इसका पॉइंट फिर भी एक स्मूथली जा रहा है। और अगर मैं इसको करूँगा और सपोज़ डिग्री 10 किया और ओके किया, ओके किया, और इसका जो पॉइंट देखोगे आप, इसका जो टॉलरेंस है एकदम लंबा ले लिया। इसका
20 करता हूँ, नहीं इसका टॉलरेंस, इसका एकदम ये एक कभी यूज़ होता नहीं, मैं कभी यूज़ किया नहीं, तो ये कुछ ऐसा ही होता है, इसमें कुछ कम किया नहीं मैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्विक कर्व ब्लेंड। तो क्विक कर्व ब्लेंड का क्या काम है, सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, अगर या फिर आप कभी भी किधर भी अगर एक ड्रॉ करते हो इस कर्व से या कोई भी कर्व से, ये क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन कर्व ब्लेंड, क्विक कर्व ब्लेंड, ये क्या बता रहे, देखिए कभी भी कोई भी अगर ऑप्शन लोगे आप, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें इसको फॉलो करना। ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व टू ब्लेंड, फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व टू ब्लेंड, सिलेक्ट नियर एंड, ओके दिस वन। तो देखिए ये एक ऑटोमेटिक एक कर्व ड्रॉ करके मिला इसमें, ओके ऐसा काम होता है। फिर आप इसको भी कर सकते हो, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, फिर ये एक ब्लेंड कर दिया इसको, फिर इसको मैं इसको करके देखता हूँ, सेम ऑप्शन सिलेक्ट फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व, ये देखिए ऐसा आ गया। फिर परपेंडिकुलर, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं एडजस्टेबल कर्व ब्लेंड। इसमें क्या करता है, इसमें एक अलग सा ऑप्शन देता है, जैसे कि मैं अब ये ले लिया सिलेक्ट कर्व देन सिलेक्ट, फिर यहाँ पे आप खेल सकते हो उसको लेके। देखो अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो कैसे वो जा रहा है, इधर स्ट्रेट हो गया, फिर इधर एक, फिर इधर इधर, ऐसा करके वो ऑप्शन देता है। फिर इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि मैं अगर जॉइंट किया, जॉइंट में क्लिक किया और मैं इसको क्लिक किया और इसको ओके करता हूँ, तो ये पहले से ही जॉइंट करके मिलता है मुझे। देखिए ये बना था, ये नॉर्मल जो क्विक ब्लेंड कर्व है जैसे ऑप्शन मिलता है इसमें मिलता है, लेकिन वो पहले से मुझे जॉइंट करके देता है। और इसका इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये स्मूथ स्मूथ होता है। देखिए वापस मैं ये सेट करता हूँ, सेम कर ये देखिए ये स्मूथली जा रहा है। आप देख सकते हो इसको भी लेके आप खेल सकते हो थोड़ा, अगर ओके किया तो वो ज्वाइन करके मिला मुझे, ये ऑलरेडी ज्वाइंड है। ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है कर्व फ्रॉम टू व्यूज। ओके सपोज इसका क्या काम है, सपोज मैं एक फ्रंट से मैं एक पाइप, होलो पाइप बना लिया, बना लेता हूँ इधर एक ये ऐसा, ओके। और फिर मैं इसका डुप्लीकेट एज बोलता हूँ, डुप्लीकेट एज निकाल लेता हूँ, और फिर मैं ये वाला ऑप्शन में चला जाता हूँ। ये क्या बता रहा है, कर्व फ्रॉम टू व्यूज, ओके। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ इधर से,
और फिर मैं ये ऑप्शन में जाके ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कर्व, सिलेक्ट सेकंड कर्व, सॉरी सिलेक्ट फर्स्ट कर्व एंड देन सिलेक्ट सेकंड कर्व। ये देखिए ये कुछ एक प्रोजेक्ट जैसा काम हो रहा है इसमें। अब देख सकते हो मेरा जो एंगल है थोड़ा सा, ये वाला जो कर्व है थोड़ा एंगल है, स्ट्रेट नहीं है, और मेरा ये जो पाइप जो मैं ये बनाया हॉलो पाइप, इसका फ्लैट है ये, इधर से टॉप से देखोगे तो ये स्ट्रेट है। और मैं इसको सिलेक्ट किया इधर जाके, कर्व में जाके इसको सिलेक्ट किया, ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व और सिलेक्ट सेकंड कर्व। देखिए ये इधर जाके बैठ गया, इधर जाके प्रोजेक्ट हो गया। ओके अब इसको मैं देखता हूँ ये हिस्ट्री ले लेता है कि नहीं। हाँ हिस्ट्री ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है। देखो ये इसका क्या काम है मैं बता रहा हूँ। सपोज कोई भी ऐसा एक डिज़ाइन होता है, जैसे मान लो एक मैं स्क्वायर बॉक्स कर लेता हूँ, स्क्वायर बॉक्स, ओके, और ये टॉप में जाके मैं थोड़ा सा इसको एंगल दे रहा हूँ, ओके, और मैं ये जो बॉक्स है बॉक्स को सेम एंगल करते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। अब जाके मुझे इधर इसमें एक एक ये मान लो ये एक डिज़ाइन है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। ये सेल वाला जो कमांड है ये बहुत ही काम की कमांड है। सपोज मैं इसको 0.6 का थिकनेस देके मैं इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया और ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ओके। सपोज एक डिज़ाइन है और मुझे इधर एक जाली या नेट जैसा कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके इस सरफेस में, एग्जैक्ट इस सरफेस में जाके मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक रफली एक डिज़ाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक मैं हार्ट बना रहा हूँ, सपोज इधर से एक मैं, ये जो हार्ट बन रहा है ये एकदम फ्लैट एक्सेस में बन रहा है। ओके मैं इसको मिरर कर रहा हूँ, ओके ये मिरर हो गया। अब मैं इसको जॉइन कर लेता हूँ। अब जाके मैं ये ऑप्शन में एक कमांड में जा रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व, मेरा ये कर्व है और ये कर्व है, तो ये जाके उसमें बैठ गया। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है, सॉरी मैं पहले से और एक ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ज्वाइन करूँगा तो इसका हिस्ट्री बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके उसको ले रहा हूँ। फर्स्ट में ये कमांड में जा रहा हूँ, फर्स्ट ये फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व देन अगेन फर्स्ट देन सेकेंड, ओके। तो मेरा क्या हुआ, मेरा दो दोनों का हिस्ट्री अभी एक्टिव है। अगर मैं ज्वाइन करता तो मेरा एक्टिव वो चला जाता था, हिस्ट्री नहीं काम पे आता था फिर। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिर्फ इसी कर्व में काम करूँगा।
अब देख सकते हो मैं इसी कमांड में, इसी कर्व में काम कर रहा हूँ, और ये भी ऑपोजिट भी हिल रहा है और इधर भी हिल रहा है। ये बहुत काम की कमांड है। फिर मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, ऑफसेट 1 mm। अब जाके मैं इसको रिबिल्ड कर लेता हूँ। आपको पहले ही बताया था इधर से रिबिल्ड होता है, और आप इधर टाइप करके भी रिबिल्ड कर सकते हो। REB करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर एंटर या स्पेस या कुछ भी करोगे तो वो कमांड आ जाएगा। तो बार बार आपको उधर जाने का, और आप हॉटकीज़ भी सेट कर सकते हो। वो हॉटकीज़ कैसे सेट करता मैं आपको बाद में बताऊँगा, किसी और वीडियो में बता दूँगा कैसे सेट कर किया जाता है। तो मैं इसको अभी रिबिल्ड कर लेता हूँ। पहले इसको चेक कर लेता हूँ, इसका कितना पॉइंट्स है। इसका सॉरी, ये वाला कितना पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स है। तो मैं इसको भी 6 पॉइंट कर लेता हूँ, 6 पॉइंट कर लेता हूँ, या 10 पॉइंट कर लेता हूँ। ओके, 10 पॉइंट कर लिया। और इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा शेप में लेके रख रहा हूँ। को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, निकल दिया, मिरर कर लेता हूँ। ये जो मिरर वाला जो कमांड है, ये मैं आपको, ये काम करते करते हम पता चलेगा आपको। ये मैं इस मिरर में भी आऊँगा मैं बाद में, अभी तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये कर लिया मैं, और फिर वापस मैं उसी कमांड में जा रहा हूँ। इसको भी फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व, देन फर्स्ट कर्व, देन सेकेंड कर्व, सॉरी फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व, फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व, हो गया। अब देख सकते हो शेप जो है एकदम परफेक्ट शेप है, कहाँ पे भी कुछ भी हिला नहीं। और मैं आप अभी जाके इसको, अब देख सकते हो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, सॉलिड में जाके कर्व एक्सट्रूड। और फिर मैं इसको तो मैं इधर, मेरा हॉटकी सेव नहीं है, मैं हॉटकी सेव कर लेता हूँ। हॉटकी सेव करने के लिए मेरा एक फाइल है ऑलरेडी नोटपैड में बना हुआ, तो मैं इधर जाऊंगा प्रॉपर्टीज़ में, फिर एलाइस में जाऊंगा, एलाइसिस में, और फिर मैं इंपोर्ट करूंगा मेरा जो हॉटकीज़ है। डी ड्राइव में है मेरा हॉटकीज़, मेरा फोल्डर में की, मेरा जो लोकेशन है हॉटकीज का, मैं उसको जस्ट इंपोर्ट किया और ओके बताऊंगा। और देखिए आप देख सकते हो इधर 86 मेरा हॉटकीज है, तो मुझे बताया रहा 86 फाउंड है, तो मैं ओके किया और फिर इधर ओके कर दिया। और मैं इसको कट कर रहा हूँ, बुलियन कर रहा हूँ, सॉरी अब देख सकते हो परफेक्ट। और इसी तरह से आप कुछ भी
डिज़ाइन कुछ भी आर्ट वर्क यहाँ पे कर सक करके फिर उसको कटआउट कर सकते हो। तो ये एक बहुत काम की कमांड है, ये आप करके देख सकते। और ये सेम सेम काम करता है ये हिस्ट्री के साथ, इसमें भी हिस्ट्री है ऑलरेडी, जैसे कि ओके चलिए देखते हैं इसका क्या काम है। नेक्स्ट ये क्या बता रहा है, ये व्यू हिस्ट्री सेम कमांड ही है, आप देख सकते हो उसका जो कमांड, ये कमांड और ये कमांड सेम ही है, ये कुछ एडवांस में है व्यू हिस्ट्री। ओके देखते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व देन सेकेंड कर्व। ओके सो नाउ इसका और इसका मैं डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली ये जो दो जो ऑप्शन है ये सेम ही है, अब जाके इसको राइट क्लिक करता हूँ। ये दो सेम ही कमांड है आप देख सकते हो, और फिर नेक्स्ट जाते हैं पुल बैक में। ओके पुल बैक का क्या काम है मैं बता रहा हूँ, पुल बैक और प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट और ये पुल बैक, तो मैं पुल बैक का काम बता रहा हूँ। सपोज मैं कुछ रिंग में एक मैं सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके और मैं इधर कुछ डिज़ाइन बना लेता हूँ कुछ भी। या एक एक में ये हो गया, थोड़ा साइड में कर लेता। ओके सॉरी एक में सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके तो ये पुल बैक का क्या काम है, ये पुल बैक मैं कमांड ले लूँगा
और फिर इसमें क्लिक करूँगा, क्या बता रहा है, सिलेक्ट कर्व, सिलेक्ट कर्व, पुल बैक, सिलेक्ट कर्व, सिलेक्ट कर्व एंड पॉइंट टू पुल एंड प्रेस इंटर। और मैं फिर इस सरफेस को बताऊंगा और मैं इंटर करूंगा। आप देख सकते हो वो पुल बैक कर लिया है। अब कमांड में उसका काम समझ पाओगे, पुल बैक। तो उसको वो जो सर्कल है उस सर्कल को एकदम परफेक्टली पुल बैक कर लिया है। उस सर्कल को फॉलो करके वो छोटा हो गया, पुल कर लिया उसको। ओके, तो कभी भी कैसा होता है कि कुछ काम, कुछ सपोज एक डिज़ाइन मैं कर लेता हूँ, एक सर्कल करूँगा मैं और ये वाला ऑप्शन मैं कर लेता हूँ, तो मुझे रिबिल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, डिफॉर्मल। और इसको मैं एक डिज़ाइन कर लेता हूँ, कुछ भी एक जिगजैग वाला। ओके, और मैं इसको अभी पुल बैक करूँगा। अब देख सकते हो डिज़ाइन बिल्कुल भी हिला नहीं, उसी शेप को फॉलो करते हुए वो पुल बैक कर लिया। ओके, अब देख सकते हो। और ये है प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर्व, और मैं इसको इसको बताता हूँ, तो अब देख सकते हो वो क्या किया है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो किया है वो उसी शेप को फॉलो किया, टॉप से जो शेप है उसका उसी शेप को फॉलो करते हुए वो प्रोजेक्ट किया उसी सरफेस के ऊपर। लेकिन आप साइड व्यू करके देखोगे, ये है रेड वाला जो है ये प्रोजेक्ट, टॉप से तो बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम परफेक्टली उसके ऊपर फिट हुआ है। लेकिन अगर आप साइड में फॉलो करके, साइड में घुमा के देखोगे तो वो एकदम साइड से वो फ्लैट हो गया। लेकिन पुल बैक जो किया है वो पुल बैक छोटा हो गया। हाँ, श्रिंक होगा तो उसका शेप टॉप से ज़रूर अलग ही होगा क्योंकि वो छोटा हो रहा है, लेकिन आप चारों तरफ से देखोगे तो परफेक्टली एकदम एकदम उसको फॉलो करते हुए, राउंड को फॉलो करते हुए वो श्रिंक हुआ है और वो शेप एकदम बरकरार आ रहा है इसमें। तो ये है प्रोजेक्ट और पुल बैक का काम। ये जो पुल बैक है ये आप इधर से भी कर सकते हो, इधर सिंपल पुल किया और इसको किया तो वो आ जाएगा। जो भी कमांड है आप कोशिश करना कि वो याद रखने के लिए, उसका उसका जो पहला स्पेलिंग है वो हमेशा काम पे आता है। आप हॉटकीज भी सेव कर सकते हो, या जैसे कि मैं अभी एक पुल किया, तो पुल, तो मैं सिंपली इधर पुल टाइप करूँगा और इसको लिखूँगा तो ये पुल हो गया। हॉटकीज भी आप कर सकते हो, मैं ये यूज़ करता हूँ पुल करके, क्योंकि जो भी कमांड है उसका मैं सिर्फ टाइप करता हूँ दो तीन वर्ड पहले का और वो आ जाता है और फिर मैं इंटर कर लेता हूँ। हॉटकीज भी है कुछ, और कुछ मैं ऐसा राइट टाइप करके भी करता हूँ। तो ये मेरा प्रैक्टिस है। आप कैसे भी आप कर सकते हो, आप हॉटकीज सेव भी कर सकते हो और ऐसे टाइप करके भी कमांड ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या कमांड है, इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन कमांड
बहुत काम पे तो नहीं आता है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ ये इसका क्या काम है। सपोज मैं ये एक कुछ भी डिज़ाइन है, कुछ भी डिज़ाइन, कुछ भी कैसे भी कहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, उसका कमांड में इस आप आइडिया लगाओ क्या बोल रहा है। इंटरसेक्शन बता रहा है, कहाँ पे गया वो, क्या बता रहा है, इंटरसेक्शन। ओके, तो मैं कमांड ले लिया है इंटरसेक्शन, और ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंटरसेक्ट। तो मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और फिर वो बता रहा है कि प्रेस एंटर व्हेन डन, तो मैं डन करता हूँ। तो मैं पहले पहले और एक बात बता कर रखता हूँ कि इधर वो ऐसा बताएगा नहीं कि सिलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट सेकंड, वो सिर्फ बता रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या बता रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट्स बता रहा है, तो उधर वो ऑप्शन नहीं दे रहा है सिलेक्ट वन और सिलेक्ट टू और सिलेक्ट थ्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, शिफ्ट दबा के आप पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो, या एक एक करके शिफ्ट दबा के आप कर सकते हो। तो ये फिर मैं इंटर करूँगा, और देख सकते हो आप जितना भी मैं इसको इसको मैं कलर दे रहा हूँ सिलेक्ट करके ऐसा, और इधर एरो में क्लिक करना तो ये कलर ले लेगा। तो मैं जस्ट इसको मैं कटआउट करके बता रहा हूँ आपको, अब देख सकते हो जितना भी पार्ट एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ था बिल्कुल उसी शेप में वो एक कर्व ड्रॉ करके दिया है, देख सकते हो जितना एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुआ है उतना ही वो कट करके वो एक कर्व ड्रॉ करके दिया है। ये भी बहुत काम की कमांड है। कभी भी सपोज एक कैसे मैं बोलूँ, ये कुछ भी फिटिंग्स का पार्ट आपको बनाना है और फिर उसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ करके कुछ काम करना है, तो ये फिर आपको एक रेडीमेड इंटरसेक्ट कर्व ड्रॉ करके मिलेगा आपको। तो ये है इंटरसेक्ट। फिर क्या कमांड बता रहा है, ऑफसेट, कर्व ऑफसेट। ओके, ये क्या बता रहा है, कर्व ऑफसेट। तो मैं एक आर्क ले रहा हूँ इधर से और फिर मैं इसको बता रहा हूँ, ये देखो आप अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो ऐसा बता रहा है, ऐसा एक लाइन देगा। अब सपोज 3 mm का ऑफसेट कर चाहिए आपको, तो 3 करके आप इंटर करोगे तो वो 3 का देगा, अगर एक प्रेस करके इंटर करोगे तो एक का ही उतना ड्रॉ करके आपको मतलब एक एक आउटलाइन देगा कि इतना ही उसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का एक ऐसा आपको करके मिलेगा। वो बता रहा है कि इतना ही है आपका, जो 1 mm है वो इतना आएगा, या टू टू करके एंटर करोगे तो इतना आएगा। तो इधर से इधर और एक ऑप्शन है बोथ साइड, तो ये अभी बोथ साइड जाएगा, बोथ साइड, पहले वन साइड फिर अगर करोगे इधर बोथ साइड तो बोथ साइड आएगा। और यहाँ से आप डिस्टेंस, जैसे कि मैं ये जो कर रहा था 1 mm, तो 1 mm, या 0.5 तो 0.5 ऐसा। ओके, ऑफसेट कर्व, फिर उसका उसको ही राइट क्लिक करोगे तो और एक ऑप्शन वो देगा। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक में क्या कर रहा था, वो सिर्फ ये जो वाला, ये जो मेरा ब्राउन कलर का जो लाइन है वो लाइन दिखा रहा था। ओके, और आप अगर राइट क्लिक करके लोगे, सपोज मैं इधर वन इंटर किया, तो वो मुझे एक आउटलाइन दे रहा है कि वो ऐसा ही बनेगा, मतलब इसी
शेप को फॉलो करते हुए आप कितना भी टाइप करोगे, कितना भी डिस्टेंस टाइप करोगे, तो इतना ऐसा ही वो ड्रॉ करके मिलेगा। सपोज मैं एक इधर से एक जिगजैग वाला, ओके, तो आप देख सकते हो इसका और इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो मैं ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ राइट क्लिक करके, ऑफसेट को राइट क्लिक करके, तो आप देख सकते हो इधर वो क्रॉस हो रहा है, मतलब वो जो कंटिन्यू वाला जो कर्व है वो कर्व कंटिन्यू नहीं होके इधर वो क्रॉस हो रहा है। तो आपको एक प्रीव्यू, मतलब एक प्रीव्यू दे रहा है कि वो ऐसा करके मिलेगा। लेकिन आउटसाइड में देखिए वो इतना तक, इधर देखिए, इधर मेरा ये जो कर्सर है, कर्सर के यहाँ पे देखिए कि वो इतना तक तो ले रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ से भी वो क्रॉस हो रहा है। तो एक आपको प्रीव्यू बना के दिखाता है कि ऐसा ही आपको वो मिलेगा आपको ड्रॉ करके। अगर मैं 1 mm का लिया तो इतना ही आएगा। फिर आप एक और एक प्रीव्यू करके देख सकते हो कि 1 mm के ऊपर आएगा कि नहीं, तो 1 mm के ऊपर ऐसा क्रॉस हो रहा है, तो आपको एक प्रीव्यू करके मिलेगा। तो यही है इसका राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का काम। ओके, तो नेक्स्ट क्या बता रहा है, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। देखिए कर्व कमांड आप जब पढ़ोगे तो उसके ऊपर ही आप मीनिंग उसका समझ सकते हो कि उसका क्या बोलना चाहता है। ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, अभी ये जो सरफेस है, ये जो ऑफसेट है, ये सिर्फ फ्लैट में ही होगा, ये सिर्फ कर्व में ही होगा, कर्व में, लेकिन वो सरफेस में नहीं होगा। सपोज मैं एक सरफेस बना लेता हूँ, एक सरफेस में बना लिया सॉलिड, ओके, और फिर मैं इसको एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि ये जो पहले दिखाया आपको प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं एक सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट हो गया। ओके, अब प्रोजेक्ट जब भी होगा वो सरफेस जितना तक होगा, अगर टॉप फ्रंट में आ रहा है, टॉप और बैक में, तो टॉप बैक में ही लेगा वो। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ और ये फ्लैट वाला जो है वो भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा ये जो कर्व है या अभी वो सरफेस में प्रोजेक्ट करके रखा है, कर लिया है वो सरफेस में, सरफेस के ऊपर फॉलो करके वो प्रोजेक्ट कर लिया। अब मैं ये वाला जो कमांड है, कर्व कहाँ पे गया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और क्या बता रहा है, सिलेक्ट कर्व ऑन सरफेस, सिलेक्ट कर्व और देन सिलेक्ट बेस सरफेस। तो मेरा ये जो बेस है, उसका जो कर्व का जो बेस है, ये अभी वो बता रहा है इनसाइड। सॉफ्टवेयर कभी कभी वो आउटसाइड में एरो देता है, कभी कभी इनसाइड में एरो देता है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है और सरफेस के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है। वो फ्लिप ऑफ रहता है या ऑन रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये देखिए, इसको मैं फ्लिप कर लूँगा, कभी कभी वो आउटसाइड में देता है, कभी कभी इनसाइड में, तो आपको वो फ्लिप कर लेना है इधर। तो मैं सपोज सपोज मैं 1 mm का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, तो ये बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट को, उसी सरफेस को फॉलो करते हुए वो ऑफसेट करेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल ऑफसेट करता था, ये जो नॉर्मल ऑफसेट है, अब देखिए ये प्रोजेक्ट वो सरफेस को फॉलो नहीं किया, वो जस्ट एक, मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे करता है वो, जैसे जो जो बेंड में है उसी बेंड में आप देख सकते हो। तो इसका जो डिस्टेंस है, देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों सेम सेम है, मतलब फ्लैट को फॉलो करता है। फ्लैट जैसे जो सरफेस फ्लैट, मतलब फ्लैट जो उसका पोर्शन है उसको फॉलो करता है। और अगर आप
कर्व ऑन सरफेस ऑफसेट ऑन ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस करते हो तो ये इस सरफेस को फॉलो करता है, एकदम उसको ही प्रोजेक्ट करते हुए उसको ऑफसेट करेगा। तो ये था ये दोनों ऑफसेट और ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का काम। ओके तो नेक्स्ट क्या है? ओके ये मैं रख रहा हूँ सरफेस। नेक्स्ट है आइसो कर्व, एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। ओके तो इसका क्या काम है? सपोज मुझे एक सेंटर लाइन में इसका जो सेंटर है, अभी देखो इसको मैं थोड़ा ऑफ सेंटर कर लेता हूँ, अभी ये एक्सेस में है। अब ये जो ड्रॉ ये अभी ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सेस एक्सेस में, मतलब अब जाके ये पूरा एक्सेस में है। ओके एक्स वाई में है, वाई और एक्स में है, एकदम बिल्कुल सेंटर को फॉलो करते हुए बना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा ऑफसेंट मतलब सेंटर से बाहर मूव कर लिया। ओके तो अभी क्या होगा? अभी मुझे इस सेंटर में कुछ डायमंड प्लेस करना है, या सेंटर इसका सेंटर क्या है वो मुझे देखना है। तो कैसे करूँगा? तो यहाँ से एक कमांड आता है, ये ऑप्शन से एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। तो ये एक्सट्रैक्ट आइसो ये कमांड मैं ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, और वो क्या बता रहा है? सिलेक्ट सरफेस फॉर आइसो कर्व एक्सटेंशन एक्सटेंशन। ओके एक्सट्रैक्शन बता रहा है, तो मैं ये एक्सट्रैक्ट करूँगा, और ये आप देख सकते हो ये जो मिड वाला पॉइंट है, ये मिड वाला पॉइंट मैं क्लिक करूँगा। और एक मैं बता रहा हूँ, पहले आप जब भी ये हर एक का एक प्रैक्टिस होता है कौन कैसे काम करता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट आप देख सकते हो पूरा ऑन कर लेता हूँ, पूरा ऑन है। ओके और फिर मैं जाके इसको ऑफ कर देता हूँ, और ये जो जब भी मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा तभी वो जो पॉइंट्स है ये पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। अब देख सकते हो मेरा ये सब ऑन है और फिर ऑफ कर दिया, और अभी जब मैं ये माउस को विदाउट कुछ भी मैं कुछ प्रेस नहीं किया, जस्ट मैं माउस को ऐसा मूव कर रहा हूँ, और फिर मैं अल्ट प्रेस करूँगा, जब भी मैं अल्ट प्रेस करूँगा उसका सब जो पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स एक्टिव हो जाएगा। वो अब देख सकते हो नियर, फिर मिड, फिर नियर, एंड, सब पॉइंट वो एक्टिव हो गया। आपको जो भी पॉइंट चाहिए अल्ट करके आप उसी पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बार बार आपको जाके इधर ऑन करो इधर ऑफ करो वो करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ सिंपल अल्ट क्लिक करोगे और उस पॉइंट को क्लिक करोगे तो वो आपका एक्सट्रैक्ट जो आपका जो आइसो कर्व जहाँ पे भी चाहिए मिड या एंड या फिर सेंटर वो बिल्कुल उसी जगह पे जाके आप पॉइंट को क्लिक कर सकते हो। ओके फिर आप और एक है आइसो कर्व में ले लिया, इधर से आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे भी अभी ये जो डायरेक्शन है ये यू डायरेक्शन में है, अब इसको वी डायरेक्शन जो ये वाला जो आप ये अभी ये वर्टिकली हो रहा है। ओके आप देख सकते हो, फिर डायरेक्शन में जाके आप बोथ साइड में भी कर सकते हो, जो आपको बोथ साइड ही मिलेगा कहाँ पे भी कैसा चाहिए। तो इसका मैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी आप लोगे ओके अभी ये बोथ साइड, तो आप क्या करोगे यू आप देख सकते हो यू और वी, तो आप कीबोर्ड में वी और स्पेस बार दबाना। सपोज आपको ये अब जब कमांड लिया आपको वी दे रहा है, अब देख सकते हो उधर वी है, तो आप जस्ट इधर यू इंटर करके आप
स्पेस बार प्रेस कीजिए तो वो चेंज हो जाएगा, बार बार आपको माउस उधर लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। ओके तो ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।